कुछ स्पेशल करते हैं आज घर पे, और बस वो भैया आ जाए, मैं उनका वेट कर रही हूँ। गोलू के साथ ना अच्छा लगता है मुझे। ये दोनों बच्चे जो है अपने घर से बेघर हो गए, घर से हमने इनको इसलिए निकाला था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हूँ करती हूँ, आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश इसलिए लग रही हूँ क्योंकि आज मेरी पूरी फैमिली वापस आ जाएगी घर। तो बस घर आ रहे हैं तो थोड़ा वेलकम कर देती हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिन के लिए लोग मुझसे अलग हुए हैं। चलो अरमान जी तो फिर भी चले जाते गाने के शूट वगैरह के लिए, जैसे दुबई गए थे, पर मैं और गोलू पहली बार इतने दिन के लिए अलग हुए हैं। तो वो कुछ स्पेशल करते हैं आज घर पे। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि आज तारीख होगी 1, 5 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी जस्ट हलवाई वाले भैया जो हमारे यहाँ पे सारा खाना वाना करते हैं वो आने वाले हैं, उनको सारा मेन्यू देना है। इस बार मेन्यू में ना मैं डिफरेंट चीजें करूंगी, जो हम ऑलमोस्ट शादी में हर चीज पे बनवाते हैं वो नहीं बनवाऊंगी, अलग अलग चीजें बनवाऊंगी। बस वो भैया आ जाए, मैं उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है चीकू के लिए यूनिफॉर्म लेने, क्योंकि चीकू का स्कूल कल से खुल जाएगा, तो उसकी यूनिफॉर्म लेनी है और उसका बैग लेना है। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने पूरी एक अलमारी बनवा दी क्योंकि ना सामान सारा इधर उधर रहता है, तो स्पेस पड़ी थी मेरे पास बहुत सारी। और यहाँ की जो अलमारी थी वो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, मैं उस वाले घर में शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये अलमारी मैंने इसलिए बनवाई है, जितने भी हमारे लॉन्ड्री के कपड़े आते हैं ना, कुछ जो हैवी सूट्स होते हैं जो हमें बेड में रखने पड़ते हैं और फिर बाद में बेड से निकालने पड़ते हैं, तो वो सारे हैवी सूट्स मैं यहाँ रखूंगी। और अरमान जी का भी कोई ऐसा कुर्ता पजामा या कुछ जो उनको किसी इवेंट पे या किसी फंक्शन में पहनना हो ना, तो वो सब मैं यहाँ रखूंगी ताकि हमें वो सब चीजें बेड खोल के ढूंढनी ना पड़े। एक तो आप तंदूर लगाना इस बार, तंदूरी तो चलो रोटी में आएगी, पहले आप वो बोलो सब्जी। सब्जी इस बार वो बनाओ जो हमने नहीं बनाई कितनी बार। देखो मिक्स वेज, दाल मखनी, छोले, ये सब बना चुके। हाँ जी, जो नहीं बनाया वो बोलो, जैसे कोफ्ता हो गया। हाँ, मलाई कोफ्ता करो, दाल मखनी सबकी फेवरेट उधर रखनी पड़ेगी। हाँ जी, मिक्स वेज कर दो, उसके बाद चाप चाप चलेगी। कौन सी? मलाई चाप, मटर, मशरूम होगी, 3 सब्जियाँ होगी और साथ में मंचूरियन कर दो, ड्राई मंचूरियन। हाँ, ड्राई मंचूरियन। हाँ, और एक वो कर दो दही कबाब। तो गाइस 4 दिन से ना मैं हाथ से फाउंडेशन लगा रही हूँ क्योंकि गोलू ने सारा सामान ले गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। मैंने कहा थोड़ा फेस थोड़ा सुधार लेती हूँ, बाहर अच्छा लगता है ऐसे गंदी से बन के जाऊँ, तो फाउंडेशन मैंने हाथ से ही लगा दिया सारा, अब हाथ धोने पड़ेंगे। Hey kid, don't ever let them get inside your head. तो यहाँ पर बच्चों का पूरा रूम जो है तहस नहस हो गया क्योंकि इस रूम को देने वाले हैं बहुत अच्छी लुक। तो यहाँ पे ना ग्रीन ग्रीन करके मुझे लग रहा है कुछ आएगा, बहुत सुंदर सा बनने वाला है बच्चों का कमरा। और मैं दिखा देती हूँ अलमीरा जो मैंने बाहर बनवाई थी, वो पूरी अलमीरा बन गई है, दिखा देती हूँ। तो ये अलमारी मैंने आपको बता दिया था किस काम के लिए बनवाई है, तो ये अलमारी उसी काम के लिए आएगी। ये अलग घर में अभी 2-3 दिन जो है गंदगी रहेगी क्योंकि काम अभी चल रहा है बच्चों का काम, 2-3 दिन के अंदर पूरा रूम सेट हो जाएगा, फिर मैं आपको नया लुक दिखाऊंगी मेरे बच्चों के कमरों का। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने थीम रखी है रात के लिए, दिन के लिए थीम दूसरे दिन में, मतलब हम दो कुछ करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं मैं आपको वो उसी दिन बताऊंगी। बर्थडे पार्टी तो है जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको सबको इन्वाइट कर रही हूँ मैं। और दिन में हम कुछ और करने वाले, तो उसके लिए हमारा दूसरा थीम है, रात का है थीम हमारा ब्लैक। तो मैं सोच रही हूँ सब लोगों को बोलूँ कि सारे लोग ब्लैक पहन के आए, तो ब्लैक पार्टी कर देते हैं पूरी ना। तो बच्चों के लिए जो है जीन्स तो है पर शर्टें लेनी है दोनों, अयान के लिए और जैद के लिए, और तूबा के लिए फ्रॉक है। गोलू को मैंने बोला फ्रॉक रखी है, ब्लैक करी नहीं, कंफर्टेबल कुछ पहनाएंगे, फ्रॉक में तंग हो जाएगी, तो देख के आती हूँ कुछ। तो अभी ना यहाँ पे जो वो वाइपर्स नहीं होते, वो वाइपर्स वो अड़ रहे थे, तो मैंने निक्की को बोला निक्की बेटा खड़ा कर रखा था, ऊपर खड़ा कर रखा था, निक्की को बोला निक्की बेटा सेट कर इसको नीचे कर दियो, एक तो हो गया उससे, दूसरा नहीं हो गया, दीदी मेरे हाथ नहीं आ रहा। तो गाइज आपको बता ही दिया थीम क्या है, तो थीम के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए जैद और अयान के लिए लेनी है मुझे सिर्फ और सिर्फ शर्टें, क्योंकि जीन्स ऑलरेडी उनके पास है, हम नहीं लेके आए थे अभी BMS फैशन से, BMS किट से। तो अब बस उनके लिए मैं शर्ट लेती हूँ सुंदर सुंदर सी, तूबा के लिए देखती हूँ कुछ ब्लैक कलर की ड्रेस मिल जाएगी, तो ब्लैक कलर ड्रेस ले, शर्ट नहीं है तो अब कहीं और चलते हैं। चलो ब्लैक ड्रेस है कोई लड़की की सुंदर, फ्रॉक नहीं चाहिए। हाँ तो मैडम को मश्कारा चाहिए, मैंने कहा तू मश्कारा ले ले, हम तो फिर भी ले लेंगे। और क्या क्या लेना है बाबू? बस दो ही चीज़ दे दो, लिपस्टिक इतनी सारी पड़ी है, एक आधा लिपस्टिक, बहुत लिपस्टिक लगती है, इतने होट नहीं इसके जितनी लिपस्टिक है इसके पास। तो गाइस यहाँ पे मुझे ब्लैक शर्ट तो मिल गई, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर वो ये ना नीचे ग्रीन है और हमारा सबका पूरा ब्लैक है, और ये वाला ब्लैक मिल गया पर इसका अगर हम बास्केट हटा भी दे तो इसका दूसरा नहीं है, इसके दो मिल जाएंगे पर इसके दो नहीं है, तो अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अब ये लास्ट दुकान है, अगर यहाँ मिल गए उसके लिए कपड़े तो ठीक, नहीं तो हम थीम चेंज कर देंगे, ब्लैक से कोई और थीम कर लेंगे क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे पास तो पड़े हैं, हम तो वही पहन। एक काम करती हूँ, बाकी सारे ब्लैक, बच्चों को करते हैं व्हाइट, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये देखो तू बकरे का फ्रॉक लग रहा है, इसने निकाली है, बहुत सोनी है, अच्छी है ना। एक बार तू पहन के देखो, तेरे को आ जाएगी तो उसके भी आ जाएगी। सही है, हाथ से पहन के देख, ठीक है आ जाएंगे तो पीछे से।
आ जाएगा दी। वैसे तो उसके पास फ्रॉक्स तो बहुत सारी सुंदर सुंदर रखी है, देखिए ये भी प्यारी लग रही है। हाँ जी शर्ट वाइट होगी, ये पूरा ब्लैक चाहिए नहीं दिखा दो, दिखा दो फिर एक सूट दिखा देना ब्लैक कलर का छोटी लड़की का, साल डेढ़ साल। इसमें दो हैं आपके पास, इससे बड़ा साइज क्या हो चाहिए? हाँ छोटा कर दो, बड़ा तो ज्यादा बड़ा हो रहा है, ये बड़ा ले लूँ, एक बड़ा दे दो, इसमें जीरो नहीं है, एक से ही है। तो दो नंबर दे दो, दो दे दो, मिल गया। नहीं नहीं ये ठीक है, ये कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, ये गोलू को दिखा दे, ये मुझे ज्यादा लग रहा है, बड़ा ये बड़ा लग रहा है ना, ये साइज तो ठीक है। अब लड़की का ब्लैक नहीं है, लड़की का ब्लैक नहीं है तो उसको मैं फ्रॉक पहना दूंगा। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है भैया, हल्का सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ये दे दो भैया, फिटिंग करवा दे, ये ले सही है, ओके अच्छे। ये तुबा के ले रहे हो, कंफर्टेबल रहे, बड़ी लग रही है मुझे, आएगी उसकी, बहुत छोटी सी है बेचारी, तो छोटी सी सूखी सी है। तो जैद और आयान के तो कपड़े हो गए पर तूबा के नहीं हो पाए, तो मैं तूबा का कुछ ब्लैक कलर का घर से ही निकाल दूंगी, अगर फ्रॉक नहीं पहननी होगी ना कुछ घर से ही निकाल दूंगी। तो मैंने मैम के घर के लिए ना ये लिया है, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा, अंदर घुसते ना एंटर करते ही मतलब इसकी लुक इतनी प्यारी है, मेरे पास ऐसे ब्लू कलर के थे पर मेरे टूट गए हैं। भैया एक और मंगा देना, मैं दोबारा ले जाऊँ, ठीक है ये फिलहाल मैं मैम को दे देती हूँ, ये दोनों दे दो आप करने। तो वो वाले पर्स गंदे लग रहे थे ना, ये सही रहेगा ना, ये अच्छे हैं पर्स, बच्चों के सामान के लिए भी सही रहेगा ना, मैं कह ही रहा था ना बैग एक बार निकाल के दिखाना, और भी बड़े हैं ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे बन जाता है, ये तो बॉक्स है ना, ये पर्स है, ये पर्स ये दिखाना, ये देखो अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है ना, जैसे बाबू दरी नहीं होती मोटी मोटी, हाँ हाँ इसमें सामान, ये हैंड बैग, ये हैंड बैग है, ऊपर लेके चलते हैं मैम के पास, कड्डो बार मैम को भी पसंद आएगी, जब मुझे इतनी पसंद आई है, बच्चों के लिए सही है ना, बच्चे पढ़ने आते हैं ना, जगह कम पड़ जाती होगी कभी कभी, बिल्कुल काम आ जाएगी। चल भाई निक्की उठा, निक्की उठा लेगी, मैं उठा लूंगा एक, चलो एक मैं उठा लेती, एक तू एक निक्की उठा लेगी, निक्की लिफ्ट में वो नहीं होते बड़े बड़े मॉल में लिफ्ट में बैठा होता है बंदा, वो पूछता है कहाँ पे जाना है, कौन सा बटन दबाना है, वही फीलिंग आ रही है ना अंकल, कौन से वो मैंने पूछ लिया आपसे, हाँ भैया ने मुझसे पूछ लिया कौन से फ्लोर पे जाना है, ये साथ रखो यहाँ बैठ के फसल दो, मैम को बोल दूंगी कुर्सी लिफ्ट में, अपनी लिफ्ट में लगवा लीजिए कुर्सी, और ठीक है इसका दो पे एक, दो तेरा पे जाते बहुत टाइम लग जाता, थक जाता बंदा खड़ा खड़ा ना, हाँ एक कुर्सी रख सही कर मैम आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, मैंने एक पेड़ अपने लिए मंगाया, मुझे मिलने तो दे कैसे हो, कैसे हो, बर्थडे है 6 तारीख का जैद का, और इस बार नहीं आए तो चिंता नहीं, आना छोड़ देगा, पिटाई उसकी, और शादी पे भी नहीं लेके आए, मम्मी ने बताया था मुझे उनकी तबीयत खराब थी, आप नहीं थे घर पे, तबीयत खराब थी बता दिया था मुझे, और क्या आप कहीं गए हुए थे, हाँ जी घर पर भी आना होता तो भाई मैम ने पूरा कह रही है बहुत ज्यादा वेट कम हो गया है, थोड़ा खाने पे ध्यान दो, तो जूस दे दिया साथ में, एप्पल काट दिया था, चीकू को भूख लग रही है बेटे, घर पे खाना नहीं खाया था, वो ले ले जूस और वो ले ले, ये ले जूस ले ले, चलो भाई मेरे को फिर उधर भी जाना, लिस्ट आ गई है मेरे पास ना, मैं चल रहा हूं, हां ये पहले तैयार होते जाना, देंगे देंगे पहले क्यों, ये धीरे जल्दी है वो, नहीं सारे नहीं आ पाएंगे, अच्छा अच्छा नहीं हम तो आ जाते, भाई ट्यूशन में पढ़ने आई थी क्या है, बैग मुझे उठाना पड़ रहा है, ये अब इसी तरह से बैग नहीं उठाया जाता तो थोड़ा कंधे वाला बैग ले रहा था वो तो तेरे से बिल्कुल उठाया जाता फिर है गिरता पड़ता वो आता था, ये भी तो कंधा वाला है, मैं जो पूरे स्कूल में कंधे वाला यूज करता हूँ है। तो गाइस पूरी मार्केट घुमाई, बच्चों के लिए कपड़े भी ले आई, राशन का सामान कल लेके आऊंगी, गोलू आ जाएगी, गोलू के साथ ही जाऊंगी, गोलू के साथ ना अच्छा लगता है मुझे शॉपिंग वॉपिंग करना, और सबसे मेन चीज मैं फीडर भी ले आई, पेसिफायर भी ले आई, सबसे मेन चीज इनके नी पैड्स लेके आने थे वो रह गए, क्योंकि बच्चे आजकल ना घुटनों से घुटनों के बल क्रॉल कर रहे हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, वो बताऊंगी आपको, यहाँ पे ना मैंने चीकू के लिए भी नी पैड्स ले रखे थे, वही नी पैड्स लेके आने हैं, तो मैं अगर अभी निकली शाम को दोबारा तो इन दोनों के लिए, तीनों के लिए, दोनों तो ये है जैद के लिए तीनों, वो क्योंकि वो भी क्रॉल कर रहा है आजकल, तो तीनों के लिए ना नी पैड्स लेके आऊंगी। अनु भैया क्या कर रहे हो आप, अनु अनु मिट्टी नहीं निकालते बेटे, अयान उधर चलो, उधर चलो, देखो बार बार जाके उस हॉल में उंगली दे रहा है और मिट्टी निकाल रहा है, पूरी नीचे मिट्टी मिट्टी कर दी है,
आनो चलो उधर। तो घर आते ना सबसे पहले चाय की उड़क होती है आजकल ना, क्योंकि गर्मियों में ना चाय वैसे तो कम हो जाती है, पर दो टाइम सुबह देखे जैसे सुबह अब पीने लगी हूँ मैं, क्योंकि मैं वेट गेन कर रही हूँ ना, बीच में मैंने चाय बिल्कुल खत्म कर दी थी। अभी दो टाइम मैंने चाय कर दी, एक शाम की टाइम और एक सुबह के टाइम। तो अभी उड़क हो गई चाय की, और चाय के साथ मैंने शांति को बोला लच्छा पराठा बना दे, मैं भी खा लूंगी, बच्चों को भी खिला दूंगी। तो अभी लच्छा पराठा बन रहा है। स्टूल पकड़ के अगर यहाँ पे दीदी ना बैठी हो तो ये लड़की कब का मुंह फुड़वा ले, कब का मुंह फुड़वा ले। तू बा, ये स्टूल के साथ खेलने वाली जगह तो ये बेटे। ओए तू बी, आई लव यू। हाँ हाँ, जब गिरोगे तब पता लगेगा तुम्हें। वैसे भी तू अयान बहुत ज्यादा चोट खाता है, आज फिर से इसने इसके गाल पे चोट लगी है। देखो ये लड़का सबसे ज्यादा चोट खाता है, सबसे ज्यादा। आनो गाइस, ये ना कुछ ऐसा अभी रेडी होएगा रूम ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी फट्टी है, ये फट्टी निकलेगी, इस पे फॉर्म चढ़ेगा, फिर एक पे एक और लकड़ लगेगी, फिर कवर चढ़ेगा। मतलब ये पूरा कमरा जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सुंदर बनने वाला है। ये वाले पर्दे हटा दूंगी, मतलब पर्दे लगाया करूंगी, चेंज किया करूंगी, पर यहाँ पे ना चैनल वाले जो पर्दे होते हैं ना वो लगवाऊंगी, क्योंकि रॉड बार बार गिरती रहती है। और यहाँ बालकनी की भी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, क्योंकि ये वाली जो अलमारी है ना पूरी रेडी हो गई है। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ हैंडल्स रह गए हैं, हैंडल्स लगेंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर इस वाली अलमारी को कल जो है सेट करूंगी। ऑलमोस्ट घर जो है ना मैंने पूरा सेट कर दिया, कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। और घर में ना दवाई छिड़कने के बाद भी रोज ना थोड़े दो चार कॉकरोच निकल ही रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो थोड़ी हमक है ना किचन में, उससे जो बचे हुए है ना कीड़े, वो भी कॉकरोच जो है बाहर निकल रहे हैं। और कल से जो है इस किचन में काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गोलू आने वाली है, तो बढ़िया बढ़िया रेसिपी मैं दूंगी और जरूर आप भी ट्राई करना। तो भाई अभी अभी लिस्ट आ गई मेरे पास पूरी सामान की, और सामान बहुत सारा है इस बार, मतलब मेन्यू में मैंने बहुत कुछ रखा है, मतलब पास्ता मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे का बर्थडे, बच्चे तो आएंगे आएंगे, तो बच्चों को दिमाग में रखते हुए ना सारी चाट पकौड़ी ये वो सब करवाए, तो इस बार बहुत ज्यादा ग्रोसरी शॉपिंग होगी। तो भैया से लिस्ट मैंने पूरी बनवा ली है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ लिस्ट लेके जाना है। मेरा फोन बज रहा है दोस्तों, केशव चीकू नहीं आ रहा होगा, नीचे लेने भेजा है। सो जाओ मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे दुलार। ओए आनू सो जा, सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए सोई थी लड़की, ये लड़का फिर भी सोया था, ये लड़की नहीं सोई। इस लड़की की नींद इतनी कच्ची हो गई है, रात में भी नहीं सोती है, दिन में भी नहीं सोती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं इनकी स्लीप साइकिल जो है खराब होती जा रही है। खा गया। अच्छा डरती नहीं है, मार रही है डायनासोर को मार रही है, कहती मैं डरती नहीं हूँ। अनु जॉनी गाइस, ये जॉनी बोलते नहीं तो बोलते हैं पापा। ये दोनों बच्चे जो है अपने घर से बेघर हो गए हैं, इनका घर जो है वो रेडी हो रहा है, इसलिए आज ये अपने वापस पुराने वाले घर में आ गए हैं। इस घर से हमने इनको इसलिए निकाला था क्योंकि ये बच्चे ना हमेशा डरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है, इसलिए इस घर से निकाल के मैंने दूसरा घर बनाया था इनका। अब वो घर दोबारा बनने जा रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ आ गए। तो आज घर में बन रहा है घिया चने की दाल, क्योंकि मैं कल घिया लेके आई थी, तो शांति बोली दीदी आज क्या बनाऊं, मैंने कहा आज एक काम कर घिया चने की दाल बना ले, काफी समय हो गया घिया चने की दाल नहीं खाई। तो भाई चीकू तो नहीं आया, पर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और तब से जो है काम में लगी पड़ी। तो मैं सोच रही हूँ 1-1.5 घंटा जो भी नींद आती आ जाएगी सो जाती हूँ, क्योंकि फिर गोलू और चीकू पापा और जैक भी आ जाएंगे, उस टाइम पे उठूंगी, तो अभी सो जाती हूँ 1-1.5 घंटा, फिर मिलती हूँ आपको उठने के बाद। तो गाइस आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी वीडियो आएगी, ब्लॉग आएगा, तो आपको टाइम से पता लग जाएगा। और जाते जाते बता देती हूँ, गाना आ चुका है नागनी फड़ी गई, जिसने नहीं देखा अभी जल्दी जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।